मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2 के अंतर्गत भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के सहयोग से सोमवार को नीमच रेडक्रॉस भवन पर दिव्यांग प्रमाण पत्र यूटीआईटी एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ऑर्थोपेडिक चिकित्सक डॉक्टर संजय शर्मा, श्रवण बाधित चिकित्सक डॉक्टर वी के वर्मा, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर संगीता भारती और मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति वधवा ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस दौरान कलेक्टर दिनेश जैन ने शिविर का जायजा लिया। कलेक्टर दिनेश जैन ने शिविर में निरीक्षण के दौरान चिकित्सक को दिव्यांगजनों और वहां मौजूद से चर्चा कर उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को दिव्यांगजनों की सहायता और व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर दिनेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी एवं दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के सहयोग से आज यहाँ दिव्यांग प्रमाण पत्र यूटीआईटी और दिव्यांगों की जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ ऑर्थोपेडिक चिकित्सक और ईएनटी के चिकित्सक बाहर से बुलाए गए हैं। शिविर में आए जिले के 200 से अधिक दिव्यांगजनों की जांच कर प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों द्वारा चिन्हित किए गए दिव्यांगजनों को उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर 10 वर्षीय दिव्यांग बालक की पेंशन की समस्या के संबंध में तुरंत समाधान के निर्देश उन्होंने दिए। बताते चले कि नीमच जिले में ऑर्थोपेडिक और ईएनटी के चिकित्सक नहीं होने के कारण काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस बारे में कलेक्टर जैन ने कहा कि इस समस्या को लेकर हमने शासन को पत्र भी लिखा है। अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि हफ्ते में एक बार ऑर्थोपेडिक और ईएनटी के चिकित्सक नीमच में उपस्थित होकर अपनी सेवाएं दे, ताकि दिव्यांगजनों को आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। कलेक्टर दिनेश जैन के साथ सिविल सर्जन ए के मिश्रा भी उपस्थित रहे। आज यहाँ पर कलेक्टर साहब के निर्देश मैडम के निर्देश अनुसार मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत यहाँ पर दिव्यांगों का मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने का शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। रेडक्रॉस और जिले के दिव्यांग जो की दृष्टि विकलांग मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र के माध्यम से निर्देशानुसार यहाँ पर प्रति सोमवार को एकल खिड़की लगती है, यहाँ पर प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। और आज विशेषकर यहाँ पर अस्थिपाती डॉक्टर और अन्य डॉक्टर जो उपस्थित हैं, तो दृष्टिबाधित जिनके प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बन पाए थे, वो यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने का भी उसमें सेवा प्रदाय करने का दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो विभिन्न हमारे जिले में दिव्यांगजन हैं, चाहे वो अस्थि बाधित हैं, ईएनटी के हैं, या आँखों के हैं, या मेंटली रिटार्डेड वाले हैं, उन सभी के स्पेशलिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। और आज पूरे जिले से यहाँ करीब 200 से ज़्यादा दिव्यांगजन यहाँ आए हुए हैं। उनका हम लोग जिले प्रमाण पत्र वगैरह भी बनाने का काम कर रहे हैं। लंबी आई डी बनाया जाएगा और उनका परीक्षण करके जो नए पेशेंट्स हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स और ईएनटी के विशेषज्ञ ना होने से ये शिविर कई दिन बाद लगाया गया है, इसलिए काफ़ी संख्या में यहाँ पेशेंट्स आए हैं। कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पास विशेषज्ञ नहीं है, इनको मंदसौर वगैरह या अन्य जगहों से उनका इंतजाम किया। नीमच से अब्दुल अली रानी की रिपोर्ट।